अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज है जी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट, तो जिसके लिए हमें निकलना है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं। जो इसको मैंने उठा दिया, उसको मैंने फ्रेश किया है, बैग्स वगैरह रेडी किए हैं और चले हम जल्दी से नाश्ता बनाते हैं और फिर रेडी होते हैं निकलने के लिए। फाइनली मेरा नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और काफ़ी टाइम के बाद आज मैं कुकिंग का कोई भी व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो हीट अप हो जाता था जैसे ही मैं स्टोव के पास या बहुत ही गर्मी में कोई भी व्लॉग बनाती थी। लेकिन अब जो है मौसम भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तो जिसकी वजह से फ़ोन मेरा जल्दी हीट अप नहीं कर रहा। यहाँ पर जी मेरा मज़ेदार सा नाश्ता रेडी हो गया और ये सिर्फ मेरा नहीं है, जुरेस का भी है। तो चलें जी चाय डालते हैं और फिर करते हैं नाश्ता और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लिप में। और जी नाश्ता करने के बाद चीज़ें वगैरह रखी हैं और उसी में टाइम लग गया और अभी हम लोग निकल चुके हैं। ऑलमोस्ट 2:30 हो रहे हैं। सबसे पहले हम आए हैं यहाँ लेक सिटी, यहाँ पे कुछ काम था और उसके बाद हम निकलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है वो व्यू कैप्चर कर रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैं एक दो दफ़ा यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन ये मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम जो है मैं व्लॉग भी बना रही हूँ। थोड़ा सा व्यूज जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो खैर यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ा सा काम था। इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं अब डेंटिस्ट पे जाने के लिए, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है ऑलमोस्ट शाम की। तो आई होप कि उस टाइम तक हम लोग पहुँच जाएँ, क्योंकि एक दो काम और भी हैं उनको करने के बाद जो है वो फिर हम डेंटिस्ट के जाएंगे। और आज वेदर जो है वो काफ़ी हवस हुई भी है, गर्मी भी है और हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अजीब सा वेदर हुआ है। तो खैर चले चलते हैं और डेंटिस्ट पर वहाँ पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। ऑलमोस्ट जी हम लोग पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम लोग गए थे मामा की तरफ, वहाँ पे कुछ काम था वो किया और उसके बाद हम दोबारा निकल गए डेंटिस्ट की तरफ। और जी बारिश हुई थी उस दौरान और बहुत तेज़ बारिश हुई, लेकिन बहुत हवस वाली बारिश थी, बहुत गर्मी थी, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा और मज़ीद गर्मी हो गई थी। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं हम डेंटिस्ट की तरफ और बारिश की वजह से हुआ ये कि कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा पानी जो है वो खड़ा हो गया। लेट्स सी के डेंटिस्ट के जाते हैं और उस एरिया में क्या सीन है। Oh
अभी जी हम पहुंच गए हैं डेंटिस्ट पे और यहाँ पे काफ़ी पानी काफ़ी एरियाज में जो है वो पानी खड़ा हुआ था और अभी इधर भी पानी है। मैं सोच रही हूँ कि मैं किस तरह उतरूँ, तो खैर काफ़ी मुश्किलों से उतर के अब हम लोग जा रहे हैं डेंटिस्ट की तरफ। और आई होप कि वहाँ ज़्यादा रश ना हो क्योंकि बहुत शदीद गर्मी हुई है, जैसे ही बारिश होकर ख़त्म हुई है बहुत हबस हो गया है और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। तो लेट्स सी क्या होता है। आलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं हम लोग आए हुए हैं और बहुत शदीद हब्स है। इसके अलावा लाइट भी प्रॉब्लम कर रही है और ज़रेस अलहमदिल्ला इतना तंग नहीं कर रहा था लेकिन उसको काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो फिलहाल हम वेट कर रहे हैं मेरी रिटर्न का क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स भी काफ़ी आए हुए थे। कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट हाफ आवर वेट करने के बाद मेरी टर्न आ गई थी लेकिन यहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि 10 to 15 मिनट्स लगेंगे और हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन यहाँ भी आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया। और मतलब कि उसमें आरसी मेरा पहली हुआ था, उसकी फिलिंग को सेट करना, नीट करना और इसके अलावा अब साइज़ वगैरह लेना, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन शुक्र है कि जुरेस इस दौरान जो है वो हैप्पी रहा, उसने तंग नहीं किया क्योंकि मुझे मेरे माइंड में था कि वो इस टाइम एंड पे आके काफ़ी तंग करेगा और क्योंकि गर्मी भी शदीद थी, हब्स भी बहुत थी, लेकिन अलहमदिल्ला उसने कुछ इतना ख़ास तंग नहीं किया। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। खैर अभी मैं ये सोच ही रही थी कि जैसे ही हम कार में बैठे तो वही हुआ जिसका डर था। तो खैर जी काफ़ी मुश्किलों से मैंने जुरेस को चुप करवाया और उसके बाद उसको सुला दिया है क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि वो बहुत फेड अप हो चुका है गर्मी में, काफ़ी कंट्रोल कर रहा है लेकिन जैसे ही हम कार में बैठे तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। खैर काफ़ी मुश्किलों से मैंने उसको काम डाउन किया, उसको सुलाया है और अब जाके वो काफ़ी टाइम बाद सो गया। तो आई होप कि वो सोता रहे घर जाने तक ताकि हमारा रास्ता जो है वो थोड़ा सुकून में गुजरे। तो खैर अब व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करने लगी हूँ, सारा दिन जो है वो आज यहीं पे गुजर गया। काफ़ी कुछ मैंने रिकॉर्ड किया और बहुत कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं भी किया। तो खैर कोई बात नहीं, मैं मिलूँगी अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।